हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ड्राइंग वीडियो। आज मैं सरस्वती माता वाटर कलर ड्राइंग बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने किस तरह वाटर कलर यूज की है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। चलो मैं कैसे वाटर कलर यूज की है आपको बताऊँगी। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके रेड बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं वाटर कलर ड्राइंग। यहाँ पे मैंने डॉम्स वाटर कलर यूज की है। पहले मैंने ब्राउन कलर में पानी डालकर उसका पतला कर लिया है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डाल के थोड़ा टैप करके फैला दी है चारों तरफ। जितना कि मेरी ड्राइंग बनी है बस उतना ही मैंने फैलाई है कलर। बस उसके बाद मैंने ब्राउन कलर को थोड़ा गाढ़ा करके लगाई है। उसके बाद मैंने लाइट ब्राउन कलर को बीना में लगाई है और हाइलाइटर जगह पे मैंने कलर नहीं लगाई है, छोड़ दी है, खाली छोड़ दी है। ओके, तो देखते चलो मैं कैसे बना रही हूँ, मुझे फॉलो करते चलो। ओके,
देखो अब मेरी ड्राइंग ख़त्म हो चुकी है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुई है, बस मैंने जो ऑयल प्लास्टिक कलर यूज़ की थी उसके बाद मैंने ब्रश पेन से ब्राउन कलर यूज करके उसको कवर कर रही हूँ। तो मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और भी नए नए वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको कुछ बनाना होगा तो आप मुझे भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय जगन्नाथ।